Today we met the Prime Minister and we express our gratitude to both the Congress President and the Prime Minister. The Prime Minister has sanctioned a relief of 1,000 crores to the state outright. Apart from this, whatever damages have been caused to the properties, to agricultural lands, and to the loss of lives, that compensation amount iske atirikt hoga. 1,000 crore humko rehabilitation ke liye diya gaya hai. इनकी यहाँ की सेंटर की टीम्स आएंगी, उनके मानक होते हैं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी रिलीफ है, ये फाइनल रिलीफ नहीं है, और इसके अलावा हमको आपदा का पैसा मिलेगा. राज्य सरकार अपने संसाधनों को पूरा झोंके हुए है. अधिकारियों से कह दिया गया डोंट गो बाय द रूल बुक, और ये मत देखें कि मेरा इलाका है कि तुम्हारा इलाका है, कि मेरा डिपार्टमेंट है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है. सीनियर ऑफिसर्स कमिश्नर रैंक के, DIG रैंक के बैठ गए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और फंड्स के लिए बिल्कुल फ्लो हो रहा है. हम लोगों ने एडिशनल फूड ग्रेन की डिमांड की थी, और फिर हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार का कि हमको एडिशनल कोटा दे दिया है. किरोसिन का भी हम कोटा मांग रहे हैं. तो आज इस घड़ी में केंद्र सरकार ने हमारा साथ दिया है, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हमें आर्थिक सहायता भेजी है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. और हम चाहते हैं कि ऐसे क्राइसिस में देश की जो NGOs हैं, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, अपने CRF फंड से उत्तराखंड में मदद करें, जगहों को अडॉप्ट कर लें, और आने वाले समय में रिहैबिलिटेशन मिले लॉट ऑफ टाइम, बट आर प्रायोरिटी इज रेस्क्यू दोज हुआ स्टैंडर्ड एंड इवैक्यूएट दोज हु हैव टू गो आउट. तो इस वक्त सारा उत्तराखंड का जनमानस, सब राजनीतिक दल इस आपदा की घड़ी में मदद कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया है कि जो डेट जिनकी मृत्यु होगी उनको 2 लाख रुपये, और जो घायल उनको 50,000 रुपये देंगे. जो प्रॉपर्टी का लॉस है उसका अलग से कंपनसेशन होगा, उसके गाइडलाइंस उसके मानक है. तो इतनी बड़ी आपदा में राज्य सरकार अपने साधनों से, केंद्र सरकार की सहायता से, और भी जो हम आज अपील कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, टू द कॉरपोरेट हाउसेस, टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू द लैंड विच इज नोन एज द देव भूमि एंड वीर भूमि. आप जानते हैं गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट, दो रेजिमेंट्स हमारी आर्मी में है, और आर्मी के जवान फ्रंट को देख रहे हैं, उनके परिवार, उनके गांव सब व्याकुल हैं. स्थिति नाजुक है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग इस स्थिति से काबू पा पाएंगे और लोगों को राहत दे पाएंगे.